बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ फौजन जाफरी और आज हम बात करेंगे ईटा के थ्रू जो सिविल सेक्रेटरीट की जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी आज से तकरीबन 6 महीने पहले उनके बारे में। उनका जो टेस्ट है वो इसी वीक या अगले वीक एक्सपेक्टेड है कि होगा। हो सकता है कि रेन की वजह से जिस तरह से जो पिछले टेस्ट हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं, ये टेस्ट भी रेन की जद में आकर पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। मैं फ्री था तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाकर इसके बारे में आपको इसकी डिटेल बता दूं कि आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए, कोर्स कंटेंट तो आपको पता है, मैं याद रखें असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट का जो BPS 16 का टेस्ट होने जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो असिस्टेंट में देखें, आपको कोर्स कंटेंट तो पता था, आपने शायद कहीं देखा था, या अगर आपने कहीं नहीं देखा इसका सिलेबस तो वो भी मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें जो आपकी इंग्लिश है 40% आ रही है, 20% आपकी इसमें पाक स्टडी आ रही है, 20% जनरल नॉलेज आ रहा है, 20% इस्लामियात आ रही है। तो आपने ये कॉन्टेंट प्रिपेयर करना है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कॉन्टेंट आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूँ, देखें SST जनरल की, वो भी 16 स्केल की पोस्ट थी, उस पर भी आपको पता है कोर्स कंटेंट उन्होंने दिया हुआ था जो मैंने सिलेबस बताया था। लेकिन उसमें वाजह लिखा हुआ था कि ये जो कोर्स था ये आपकी मैट्रिक बेस तक आएगा, यानी आप मैट्रिक बेस तक प्रिपेयर करें। लेकिन सिविल सेक्रेटरीट में भी जो असिस्टेंट की सीट है ये भी 16 स्केल की सीट है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए आपने किसी तरह भी किसी गलत फहमी का शिकार नहीं रहना कि इसका भी टेस्ट है वो मैट्रिक तक आएगा, ऐसी बात हरगिज नहीं है। रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है जो CNW डिपार्टमेंट में हुआ है ईटा का, वो टेस्ट बहुत ही टफ था, चाहे वो असिस्टेंट का हुआ है या चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ है, दोनों एक दूसरे से टफ थे। और जो मेरिट था वो भी काफ़ी हाई था, ऑलमोस्ट 80 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट थिंग। अगर 70 तक भी आपका आता है तो बास जोन में 70 मेरिट 70 से हाई था, और बास जोन में मेरिट आई थिंक अगर 80 स्कोर कर लें तो आप सेफ जोन में, अगर आप 80 से कम स्कोर करते हैं तो फिर भी आपको पता है कि जोन के जो टेंटेटिव मार्क्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। चले हर चीज छोड़ के मैं आता हूँ कि अभी इस टाइम आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। पहली बात है जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है, अगर आपने तैयारी पहले कहीं से की हुई है और अच्छी तैयारी की हुई है तो फिर तो ये आपके लिए गपशप है, आप इसको बड़ी इजिली टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आपके लिए काफी मुश्किल बात है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मुकाबला बहुत सख्त होने जा रहा है, और ये सीट भी इस तरह से है, ये डिपार्टमेंट भी इस तरह से है कि इसका मेरिट भी हाई होता है और ये पेपर भी काफ़ी मुश्किल आता है, क्योंकि CNW के भी पेपर काफ़ी मुश्किल थे और ये तो फिर उससे भी अच्छे डिपार्टमेंट है। हाँ, लेकिन ये बात है यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सीट्स हैं यहाँ पर, टेंटेटिव मार्क्स जो है जो आपका फाइनल मेरिट रुकता है वो कम आने के चांसेस हैं, क्योंकि CNW डिपार्टमेंट में जो सीट्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आई थिंक ऐसा हुआ है कि सिविल सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में जो आपका एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है उसमें इतनी ज़्यादा सीट्स आई हैं। अब आपने करना क्या है, देखें इंग्लिश में अक्सर रिकमेंड करता हूँ आप 8th, 9th, 10th की ग्रामर प्रिपेयर करें, और जो हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन है वो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर मुकाबला थोड़ा टफ होने जा रहा है, तो आप मार्फी की बुक इंग्लिश ग्रामर की जो प्रिपरेशन के लिए वो थोड़ी हाई लेवल की है, हाई स्टैंडर्ड की बुक है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि आप देखें आपको 40% इंग्लिश से आ रहा है, तो 40% इंग्लिश में आई थिंक टफ ही सवाल होंगे, कोई इतने गपशप तो नहीं होंगे कि मैट्रिक लेवल के आपसे एक्टिव पैसे पूछ लें, मैट्रिक लेवल के आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लें और आप उनको बड़े इजीली ही टैकल कर लें, तो थोड़ा टफ इसमें आपको टच दिया जाएगा। तो इसलिए मॉर्फे की बुक है वो आप उससे आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप FSC लेवल की ग्रामर, FSC लेवल की इंग्लिश ग्रामर अच्छे से देख लें तो ये टेस्ट आपके लिए इजी हो जाएगा और इसकी इंग्लिश को टैकल करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और जो लोग ETA/MD कैट की तैयारी करते थे और उसके लिए जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करते थे, और अगर वो नोट्स आपके पास मौजूद हैं तो ETA और MD कैट वगैरह का टेस्ट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता था, उसमें जो आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन की, अगर वो नोट्स आपके पास मौजूद हैं, आप उनकी तैयारी कर लें, तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो इंग्लिश है ये आपको उनकी निस्बत बहुत ही ईजी लगेगी। इसके बाद हम आते हैं जनरल नॉलेज पर। देखें जनरल नॉलेज की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनाकर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप वहां से जाकर जनरल नॉलेज की सीरीज़ देख सकते हैं। आई थिंक 1.5 घंटे की या 2 घंटे की मुकम्मल सीरीज़ है, आपके सारे डाउट जनरल नॉलेज के हवाले से वहां से क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा सीख लेंगे, और जनरल नॉलेज की जो बेसिक है वो आपको वहां से पता चल जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो वीडियोस देखने के बाद आपकी मेंटेलिटी इतनी बन जाएगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि जनरल नॉलेज कम से कम आता कहाँ से है, और आपकी तैयारी काफ़ी हद तक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें
प्रॉब्लम आ रहा है कि हम कहाँ से प्रिपेयर करें जनरल नॉलेज, तो वो आप वीडियोस देखने के बाद आपकी मेंटेलिटी ये बन जाएगी कि अच्छा इस टेस्ट के लिए हमने ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये हो गए आपके दो चीज़ें, पीछे रह गई आपकी एक इस्लामियात और एक पाक स्टडी। तो देखिए, मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि आप केवल 9th और 10th की पाक स्टडी पर मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, लेकिन इस सीट के लिए मैं आपको FSC लेवल रिकमेंड करूँगा, और अगर बेहतर है तो आप BA की बुक पढ़ लें पाक स्टडी की, वो बहुत ही बेस्ट है। उसमें बेसिक तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा उसमें डीपली चला जाता है बंदा। और इससे भी बेस्ट ये है कि आप बिलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अगर आपके पास कोई बुक मौजूद है BA लेवल की पाक स्टडी की, वो आप स्टडी कर लें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रही है। आपने पाक स्टडी में हर चीज़ प्रिपेयर नहीं करनी, ये दाखिला पॉलिसी और खारजा पॉलिसी वाले टॉपिक्स को छोड़ दें, आपने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान करनी है। देखें, एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अर्लियर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, जब सिंध फतह हुआ वहाँ से लेकर 1857 तक, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट है। इसके बाद आपके पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सेकंड है, जो 1857 से लेकर 1947 तक है, और इसके बाद 1947 से लेकर बाद तक जो अभी तक चल रही है जितनी भी उन बुक्स में मौजूद है। आप इन तीन हिस्सों में अगर पाक स्टडी यही प्रिपेयर कर लें तो आपका पाक स्टडी का पोर्शन भी बड़ा आसानी से टैकल हो सकता है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। इसके बाद बात आ गई इस्लामियात की, तो देखें इस्लामियात की 9th, 10th FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये जो है इसमें कोई खास कोर्स कॉन्टेंट नहीं है। आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, इनसे क्वेश्चन नहीं आते। पाक स्टडी के लिए आप कोई भी पाक स्टडी की हिस्ट्री की कोई छोटा सा किताबचा पढ़ लें, कोई छोटी सी बुक पढ़ लें, या बेहतर यह है कि आप पाक स्टडी किसी भी बुक से प्रिपेयर कर लें। बहुत से वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें इस्लामियात के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, MCQs भी आपको मिलते हैं, क्योंकि ये वही रिपीट होते हैं। इस्लामियात जो होती है ये जनरल होती है, आपसे पूछा जाता है काबा जो है ये किबला कब बना, या ज़कात कब फ़र्ज हुई, रोज़ा कब फ़र्ज हुआ, आपके पास शराब कब हराम हुई, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पाक स्टडी में ज़्यादातर। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें, या अक्सर किसी अरबी का लफ्ज़ दिया होता है और पूछा जाता है इसका मतलब क्या है। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपने जो 9th और 10th में इस्लामियात पढ़ी है उसमें इस तरह के बहुत से मायने आप पढ़ते थे अरबिक में, और उसके फिर उर्दू में आप मतलब करते थे, तो ये आप प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं आपको इस तरफ जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, इस चीज़ से ज़्यादा नहीं आते। जिस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री, आप उस पर फोकस करें। तो आई थिंक जो इस टेस्ट के चार पोर्शन थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।